पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि रावत अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फिर से हो गई है आज मेरी एक नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। तो आज ना यहाँ पे सुबह से बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रखा था, तो उसकी वजह से आज हमारा कामकाज मतलब लेट ही हो रहा है। और अभी अंदर का झाड़ू तो लगा दिया है मैंने, अब रह गया है बाहर का झाड़ू। तो आज ना कोहरे से पूरा चमन हो रखा है और पूरे गांव में धुंध छा रखी है आज कोहरे की। और ऐसे कुछ इस तरीके से हो रखा है, पूरे धुंध छा रखी है, तो आगे भी पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है आज। और इस साइड का कोहरा थोड़ा हल्का हल्का हटने लग गया है, तो उसकी वजह से इस साइड तो दिखने लग गया है, पर इस साइड ज़्यादा कोहरा है। और अभी लगा रही थी मैं यहाँ घर पे झाड़ू, तो अंदर का झाड़ू तो लगा दिया है मैंने, तो यहाँ पे ना मैंने इधर से तो लगा दिया है, तो अब यहाँ से लगा रही थी मैं झाड़ू। और अभी टाइम हो गया है 12:30, तो मेरे यहाँ पे ना कपड़ा वगैरह भी धुल गए हैं। तो वैसे तो आज तो कपड़े धो ना धोए के बराबर, क्योंकि आज धूप भी नहीं आ रखी है, तो देखो कब तक सूखते हैं कपड़े भी। और अभी बनाती हूँ मैं दिन का लंच। तो आजकल ना हमने यहाँ पे फूलगोभी की पौध लगा रखी है, तो ये भी ना फूलगोभी भी बड़ी बड़ी हो गई है, तभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। लगा रखी है हमने यहाँ पे फूलगोभी, तो ये भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, तो देखते हैं क्या पता कब से देखी भी नहीं, तो शायद इस पर छोटे छोटे फूल आने लग गए होंगे गोभी के। तो इस पे अब आने लग गए हैं छोटे छोटे फूल गोभी के, तो ये देखो ये रहे, तो इस पे ना ये रहे, ये छोटे छोटे फूल हो रखे हैं गोभी के। और तो ये लगा रखे हैं हमने वहाँ से लेकर और यहाँ तक, और इधर ये आलू भी अच्छे हो रखे हैं। और अभी चलते हैं इधर, यहाँ पे मैंने गोबर गैस में गोबर भी डाल दिए है, तो थोड़ी देर में थोड़ा धूप आ जाएगी तो गोबर भी छोल देंगे, अभी ना ठंडा हो रहा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हो रखे हैं ये टमाटर की एक पेड़ हो रखा था, तो इसमें मैंने ना कल डंडा लगा दिया, ये नीचे लटक रखा था, तो ये टमाटर ना ख़राब हो रहे थे, तो इसमें मैंने डंडा लगा के, तब देखो ये टमाटर भी, तो ये ना बड़े वाले टमाटर हैं, तो ये भी लाल होने लग गए हैं, ये देखो ऐसे। और इधर राई भी बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है, अंदर हो रखी है बहुत सारी लौकी। और ये देखो ये है एक, और इधर भी हैं, और इस साइड भी हैं, ये देखो। तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी बहुत सारी लौकियाँ लग रखी हैं। ये रही लौकी की बेल, तो लौकी की बेल छोटी है, पर फिलहाल तो अभी अच्छी लौकी लग रही है, पर आजकल पाले की वजह से ना वो लौकी केड़ी हो जा रही। और यहाँ पे हमने ना परसों लकड़ी खरीद के लाए थे, तो ये रहे यहाँ पे हमने इन्हें स्टोर करके रख रखा है फिलहाल के लिए, जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब हम इसे इस्तेमाल कर देंगे। और इस बार हमने खेतों में लकड़ियाँ बहुत कम मतलब पेड़ बहुत कम थे तो गिरे हुए, तो उसकी वजह से इस साल हमारी लकड़ियाँ भी कमी हुई। और यहाँ पे हमने सारे डंगर बाहर निकाल रखे हैं, और इस साइड हमने यहाँ पे साफ कर दिया है इधर भी और उधर भी। ये है यहाँ पे लौकी की, पर इसमें लौकी हो तो रही है, पर ये है गोल लौकी की बेल, पर इसके लिए ना फैलने की जगह नहीं हो रही, तो वैसे तो ये इतनी इतनी हो रही, पर ये लौकी ख़राब हो जा रही और छीमी हो रखी बहुत ही ज़्यादा, पर तोड़ेगा कौन, इतने ऊपर हो रखी छीमी। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये देखो इस पे देखो कितनी सारी छीमी हो रखी, पर इस पे ना यहाँ पे कोई चढ़ नहीं पा रहा, तो देखते हैं शाम को शायद तोड़ेंगे आज, क्या पता सीढ़ी लगा के तोड़ देंगे, पर सीढ़ी हमारी नहीं है, किसी और से मांगनी पड़ेगी। ये देखना,
पे हमने बो रखा था धनिया, तो इस साइड तो मैंने चाकू से काट दिया है, बाकी ये थोड़ा थोड़ा रह रखा है, पर इसमें दुनिया भर का कबाड़ हो गया है, तो इस कबाड़ को भी निकाल देंगे। और इधर हो रखी है ये करेले की बेल, तो और बहुत कम हैं जो बड़े हो रहे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, शायद ये पूरे कटहल के पेड़ पे ऐसे ही हो रखे, शायद इस पे ना नए पत्ते आ रहे, ये वाले ये हैं नए पत्ते, पूरे कटहल के पेड़ पे ऐसे ही, ये नई टहनियाँ हैं। तो अभी फिलहाल अभी का ब्लॉग थोड़ा इतना ही था, तो अभी पहले दिन का लंच बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो वैसे तो मैंने आजकल एक बुनाई भी लगा रखी है, तो वैसे तो आधा बना दी है, पर कोशिश तो यही है कि जल्दी जल्दी बन जाए वो भी, क्योंकि वैसे घर में टाइम बहुत कम लगता है, तो उसकी वजह से बुनाई भी बहुत कम हो पाती है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मैंने कौन सी बुनाई लगा रखी है उस पर, तो वो भी दिखाऊंगी। और अभी मेरा यहाँ पे बन रहा दिन का लंच, तो दिन के लंच में मैंने यहाँ पे दाल तो रख दी है, तो आज बना रही मैं दाल में राजमा की दाल और चने, तो ये दोनों दाल मैंने मिक्स कर रखी हैं, तो आज वही बन रही, तो अभी इसमें थोड़ी देर में सीटी भी आ जाएगी। और अभी टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं, तो अभी हमने कल धोए थे कपड़े, तो अभी वो सुखाने ले जा रही, क्योंकि इस टाइम ना धूप आ गई है, तो इन्हें सुखा रही मैं छत में। मैं तो पहुंच गई, और इस टाइम आ रखी है बहुत ही प्यारी धूप, तो इस टाइम फैलाऊंगी मैं सारे कपड़े इस साइड, जिस साइड धूप आ रखी है। मैंने कपड़े तो सुखा दिए हैं सारे, और अब इस टाइम ना कोहरे की धुंध भी साफ हो गई, और ये हैं यहाँ पे दीपावली के दिए, तो कुछ दिन बाद ये दिए भी यहाँ से हटा देंगे, साफ कर देंगे। और यहाँ पे ना मैंने जितने करवा चौथ के व्रत रखे थे वो सारी हांडियाँ यहाँ पे हैं, बस एक हांडी कम है, और ये हैं चार, ये चार हांडी हैं, एक हांडी नीचे है, तो ये हमने कपड़े तो सुखा दिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे।